गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं देवनार बोल रहा हूँ। ठीक है, आज मेरे पास एक 20 इंच का एलईडी है, ये इसमें कॉम्बो बोर्ड लगा हुआ है। इसका जो प्रॉब्लम था वो क्या होता है, इसका जो कंपनी का लोगो है वो ऑन टाइम आके ब्लैंक डिस्प्ले हो जाता है, ये इसका फॉल्ट है। मैं इसमें आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा, ये चेक कैसे करते हैं, कैसे इसको रिपेयर किया जाए, इसका प्रोसेस मैं अभी दिखाऊंगा। इसमें थोड़ा एक डाउट भी है ये सर्विसिंग करने का। देखा, जब मैंने देखा ये वन टाइम डिस्प्ले आके चला जा रहा है, तब मैंने देखा क्या, इसका बैकलाइट बंद हो जा रहा है। बैकलाइट वन टाइम के लिए जल के बंद हो रहा है, लेकिन इसका जो पैनल सप्लाई और एलईडी सिग्नल है वो सब निकल रहा है। इसका कस्टमर जैसा बोला है, इसका साउंड भी चल रहा था, लेकिन सिर्फ पिक्चर नहीं दिखाई देता। मतलब क्या हो रहा है, इसका बैकलाइट सेक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि ये बैकलाइट एक बार जल के बंद हो रहा है। मतलब ये बाहर से ही पता चलेगा क्या इसका अंदर एलईडी स्ट्रिप में कुछ प्रॉब्लम है। तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, बाहर से ये जो एलईडी का जो केबल है इसको हम लोग बाहर से चेक करते हैं क्या, विदाउट पैनल ओपन बाहर से ही चेक करते हैं क्या एलईडी जल रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर ना जले तो हम लोग पैनल को ओपन करके चेक करते हैं क्या इसमें कौन सा एलईडी कटा हुआ है या कौन सा स्ट्रिप में फॉल्ट है, वो हम लोग जांच करते हैं। तो जैसे हम लोग जांच करते हैं, अभी बाहर से मैं इसको सप्लाई देके देखूंगा बैकलाइट टेस्टर से, अंदर में कितना वोल्टेज का एलईडी लगा हुआ है, कितना लोड ले रहा है, वो अभी मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। देखिए, ये अभी जलेगा या नहीं ये मालूम नहीं, मैं दिखा रहा हूँ क्या रिजल्ट होता है। ये देखिए, इधर में बैकलाइट जल रहा है, देखिए दिख रहा है ना। ये देखिए एलईडी जल रहा है, ये होल से भी दिखाई दे रहा है, देखिए बैकलाइट जल रहा है। यहाँ पे ये जो ग्लो हो रहा है ये भी साफ दिखाई दे रहा है, ये ग्लो हो रहा है। और अभी टेस्टर पे कितना वोल्टेज शो हो रहा है देखिए, 31.8 वोल्ट। मतलब हम लोगों को बाहर से ये मालूम हो रहा है क्या अंदर में बैकलाइट सब जल रहा है, क्योंकि 31.8 वोल्ट अभी शो हो रहा है। मतलब बाहर से हम लोगों को ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा क्या अंदर में स्ट्रिप ओके है, क्योंकि बैकलाइट टेस्टर से ये जल रहा है। लेकिन इसमें क्या मुसीबत आ रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, मैंने जब देखा ये अंदर में बैकलाइट जल रहा है, तब भी मेरा 100% डाउट है बैकलाइट में ही कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे बूस्टिंग हो रहा है, मतलब हो रहा है लोड में कुछ गड़बड़ी हो रहा है, जिसके वजह से ये बैक प्रोटेक्शन में जा रहा है, लेकिन बैकलाइट टेस्टर से ये सही से जल रहा है। अभी इसका कॉन्फ्यूजन है, तो मैं इसलिए पैनल को ओपन किया, दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं सेट को खोला है, खोल कर देखा है क्या इसमें कितना स्ट्रिप है, दो स्ट्रिप है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलईडी लगा हुआ है। ये 3 वोल्ट का एलईडी है, मतलब 6, 3, 18, 18 दुगुना 36 वोल्ट इसमें लोड ले रहा है, लेकिन तब भी इसमें दिखा रहा था 31.8, मतलब 32 वोल्ट दिखा रहा था, वो भी सही दिखा रहा है, क्योंकि 3-4 वोल्ट इधर उधर होते हैं। अभी मैं इस सेट में लाइन देकर दिखा रहा हूँ इसमें कैसा हो रहा है। देखिए, लाइन दे दिया है,
ये देखिए, ये एक बार ही जल के बंद हो गया है, लेकिन टेस्टर से टेस्ट किया तो ऑल एलईडी जल रहा है। मैं इधर से भी एक बार टेस्ट करके दिखा रहा हूँ ऑल एलईडी सही से जल रहा है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैकलाइट टेस्टर से इसको जला रहा हूँ। देखिए इसमें जितना एलईडी है सब सेम ही ग्लो कर रहा है, कोई फ्लैक्चुएट भी नहीं हो रहा है, सब एलईडी जल रहा है। देखिए मैं लाइट ऑफ करके दिखा रहा हूँ यहाँ का। ये देखिए यहाँ पे जितना एलईडी है सब एलईडी सही से जल रहा है। ये है इसका कॉन्फ्यूजन, अभी कौन खराब है, बैकलाइट टेस्टर से जल रहा है, बैकलाइट ड्राइवर भी काम कर रहा है, तब भी ये एक बार जल के बंद हो रहा है। अभी इसको कंफर्म होने का एक तरीका है, क्या ये बैकलाइट ड्राइवर ओके है कि नहीं, वो चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। इसका जो एलईडी ड्राइवर का आउटपुट है, ये आउटपुट में अलग से लोड देकर देखना पड़ेगा वो ड्राइवर ओके है कि नहीं, वो मैं करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत कभी कभी कुछ कन्फ्यूज़न आ जाते हैं, कन्फ्यूज़न क्लियर करने का जो तरीका है वो समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ, जिन्होंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हो, मैं इस वीडियो में मेरा नंबर भी दे दूंगा। जिन लोगों को एलसीडी रिपेयर करने के लिए हेल्प चाहिए वो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, मैं नंबर दे दूंगा इस वीडियो में। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसका जो आउटपुट में प्लस माइनस करके एक स्ट्रिप लगाया है, ये इसमें 1, 2, 3, 4 एलईडी लगा हुआ है, ये 6 वोल्ट का एलईडी है, मतलब 6 × 4 24 वोल्ट अभी इसमें लोड होगा। अभी इस बोर्ड से अगर ये एलईडी जल जाए ये स्ट्रिप, तो मेरा ड्राइवर सेक्शन 100% ओके है। मैं लाइन देकर दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये सब एक चांस में सब जल गया है, मतलब ये अभी जो मेरा बैकलाइट सेक्शन है मदरबोर्ड का वो बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। इसमें डाउट यहीं पे है क्योंकि वो स्ट्रिप में सब सेम ही वोल्टेज ले रहा है, लेकिन वो फर्स्ट टाइम जो लोड देता है वो नहीं ले पाते हैं। ऐसा सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 2 स्ट्रिप अंदर लगा हुआ है ये दोनों को ही एक साथ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कौन सा वीक है कौन सा ज़्यादा करंट ले रहा है इसमें कुछ कन्फर्मेशन नहीं आ रहा है। दोनों स्ट्रिप में ही मैंने चेक करके देखा है, दोनों स्ट्रिप में ही 15.5 वोल्ट करके दोनों स्ट्रिप में लोड ले रहा है, इसमें कौन सा ख़राब है और कौन सा अच्छा है ये मालूम नहीं पड़ रहा है। इसके सॉल्वेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका अंदर जो 2 स्ट्रिप है वो 2 स्ट्रिप को एक साथ ही चेंज करना पड़ेगा। और अभी तो दिखाई दे रहा है बाहर से ये जल रहा है, मतलब मेरा सेट ओके हो गया है, सिर्फ बैकलाइट चेंज करने का बारी है। तो ऐसा ही समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, आप लोगों को शायद ये इसमें कुछ मदद भी होगा। मैं बैकलाइट लगा के रेडी भी कर दूंगा और मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, यहीं तक का ये वीडियो है। आप लोग अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं बहुत वाइटल वीडियो आप लोगों के लिए शेयर करता हूँ यूट्यूब पे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।